दोस्तों आईपीएल 2021 में मेगा ऑक्शन होगा या मिनी ऑक्शन, इसको लेकर बीसीसीआई ने अभी तक तो कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं दिए है, लेकिन ये बात लगभग कॉन्फर्म हो चुका है कि इस साल 8 नहीं बल्कि 9 या तो 10 टीमें मिलकर आईपीएल 2021 खेलने वाली है, तो 100% मेगा ऑक्शन ही देखने को मिलेगा। तो मेगा ऑक्शन होने पर सभी टीमों को दोबारा से एक नई स्क्वाड बनाने का मौका मिलेगा और पुराने स्क्वाड में से सिर्फ 3 प्लेयर्स को डायरेक्ट रिटेन और 2 प्लेयर्स को आरटीएम कार्ड के जरिए रिटेन कर पाएगी, यानी कि टोटल 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, बाकी प्लेयर्स को रिलीज करना ही पड़ेगा जो सीधा नीलामी का हिस्सा बनने वाले है। तो मैं इस वीडियो में आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले सभी टीमों की रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक आईपीएल फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हुए एक भी वीडियो सब मिस ना कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेगा ऑक्शन के रूल्स के मुताबिक सभी टीमें सब कुछ मिला के 5 प्लेयर को रिटेन कर पाएगी। अब अगर किसी टीम 3 प्लेयर्स को डायरेक्ट रिटेन करती है तो 2 आरटीएम कार्ड बचेगा, और अगर 2 प्लेयर्स को डायरेक्ट रिटेन करती है तो तब नीलामी में 3 प्लेयर्स के पीछे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पाएगी। तो आईपीएल 2020 की परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ टीमों को मेगा ऑक्शन होने पर बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि टीम काफी बैलेंस और मजबूत है और कुछ टीमों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग टीम को लेकर। तो सीएसके टीम तो 100% मेगा ऑक्शन ही चाहेगी, क्योंकि टीम पूरी तरीके से टूट चुका है, जल्द से जल्द एक नया स्क्वाड तैयार करना ही पड़ेगा। तो सीएसके टीम आईपीएल 2021 में जिन 3 प्लेयर्स को डायरेक्ट रिटर्न करेगी वो है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सैम कुरान और ऋतुराज गायकवाड़। जिन 2 प्लेयर्स के पीछे कॉन्फर्म आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी वो है फैफ डुप्लेसिस और रविंद्र जडेजा। तो सीएसके टीम की रिलीज प्लेयर्स लिस्ट में जिन खिलाड़ियों का नाम शामिल है वो है अंबाती रायडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर, एन जगदीशन, करण शर्मा, केदार यादव, लुंगी इंगिडी, मिचेल सैंटनर, मनु सिंह, मुरली विजय, शेन वाटसन, शार्दुल ठाकुर, जॉस हेजलवुड, पीयूष चावला और आखिर में आर साई किशोर। नेक्स्ट बात करें राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में, तो राजस्थान की टीम भी चाहेगी इस साल मेगा ऑक्शन ही हो। तो सबसे पहले नॉर्मल रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो राजस्थान की टीम सबसे पहले जोफ्रा आर्चर, राहुल तेवातिया और संजू सैमसन को रिटेन करेगी, और जिन 2 प्लेयर्स को आरटीएम कार्ड के जरिए दोबारा से खरीदेगी वो है बेन स्टोक और कार्तिक त्यागी। तो राजस्थान टीम की रिलीज प्लेयर्स लिस्ट में जिन खिलाड़ियों का नाम शामिल है वो है स्टीव स्मिथ, अंकित राजपूत, जॉस बटलर, महिपाल लमड़ोर, मनन भोड़ा, मयंक मार्कांडे, रियान प्रयाग, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, वरुण अरन, आकाश सिंह, अनुरोध जोशी, अनुज रावत, एंड्रू ट्राई, डेविड मिलर, जयदेव उनादकट, ओसाने थमास, रॉबिन उत्थप्पा, टॉम कुरान और आखिर में यशस्वी जसवाल। उसके बाद दोस्तों बात करें किंग्स 11 पंजाब टीम के बारे में, तो पंजाब काफी बैलेंस टीम होने के बाद भी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो पंजाब भी चाहेगा मेगा ऑक्शन ही हो ताकि एक नया स्क्वाड बनाने का मौका मिले। तो किंग्स 11 पंजाब की टीम सबसे पहले केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और अक्षदीप सिंह को डायरेक्ट रिटर्न करेगी, और नीलामी में आरटीएम कार्ड से निकोलस पुरान और मोहम्मद शमी को दोबारा से खरीद लेगी। तो अब पंजाब टीम की रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में बात करें तो पंजाब इस साल क्रिस गेल, दर्शन नालकांडे, के गौतम, हरदास बिलजोन, हरप्रीत बरैर, जगदीश सुचित, करुण नायर, मनदीप सिंह, मुजीबुर रहमान, मुर्गा नस्तीन, सरफराज खान, क्रिस जॉर्डन, दीपक हुडा, ग्लेन मैक्सवेल, ईशान पोरेल, जेम्स निशम, पी सिंह, रवि बिश्नोई, सेल्डन कॉटरेल और तजिंदर सिंह को रिलीज कर देगी। नेक्स्ट बात करें केके टीम के बारे में, तो केके टीम कभी नहीं चाहेगा कि मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो केके टीम सबसे पहले आंद्रे सेल, शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती को रिटर्न करेगी, और आरटीएम कार्ड के जरिए नीतीश राणा और वेन मर्गन को दोबारा से खरीद लेगी। तो दोस्तों केके टीम की रिलीज प्लेयर लिस्ट में जिन जिन प्लेयर्स का नाम शामिल है वो है दिनेश कार्तिक, कमलेश नगरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्गुसन, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, संदीप वारियर, शिवम मबी, सिद्धेश लाट, सुनील नारिन, क्रिस ग्रीन, मणिमारम सिद्धार्थ, निखिल नायक, पैट कमिंस, राहुल त्रिपाठी और आखिर में टॉम बेंटन। नेक्स्ट बात करें एसआरएच टीम के बारे में, तो एसआरएच टीम भी कभी नहीं चाहेगी कि मेगा ऑक्शन हो, काफी बैलेंस टीम है, फिर से एक नई शुरुआत करना पड़ेगा और रिटेन प्लेयर्स चूज करना भी काफी कठिन बनने वाला है। फिर भी एसआरएच टीम सबसे पहले डेविड वार्नर, केन विलियमसन और टी नटराजन को रिटेन करेगी, और नीलामी में भुवनेश्वर कुमार और मनीष पांडे के पीछे अपना 2 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। अब बाकी सभी प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा, तो रिलीज लिस्ट में जिन जिन प्लेयर्स का नाम शामिल है वो है अभिषेक शर्मा, बसिल थम्पी, बिली सैंटलेक, जॉनी बेस्तो,
मोहम्मद नबी, रशीद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीभट गस्वामी, सिद्धत कौल, खलील अहमद, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, अब्दुल समद, फेबियन एलिन, मिचेल मार्स, प्रियम गर्ग, संदीप भवंका, संजय यादव और आखिर में विराट सिंह। नेक्स्ट बात करें आरसीबी टीम के बारे में, तो आरसीबी टीम भी चाहेगी कि मेगा ऑक्शनिंग हो, क्योंकि वैसे भी आरसीबी बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज करने ही वाली है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिटेन से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और युवेंद्र चहल को रिटेन करेगी, और आरटीएम कार्ड से नवदीप सैनी और क्रिस मॉरिस को दोबारा से खरीद लेगी। बाकी रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में बात करें तो आरसीबी इस साल देवदत्त पडिक्कल, गुरकिरत सिंह मान, मोइन अली, मोहम्मद सिराज, पार्थिव पटेल, पवन नेगी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, उमेश यादव, एरोन फिंच, डेल स्टेन, इजुर उदाना, जसुआ फिलिप्स, पी देशपांडे, शाहबाज नदीम और एडम जाम्पा, इन सभी प्लेयर्स को रिलीज कर देगी। उसके बाद दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम भी कभी नहीं चाहेगी कि मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि दिल्ली टीम काफी मजबूत और बैलेंस टीम है। फिर भी रूल्स के मुताबिक सिर्फ 5 प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाएगी, तो श्रेयस अय्यर, कगिसो रबाडा और शिखर धवन को डायरेक्ट रिटेन करेगी, बाकी आरटीएम कार्ड के जरिए ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस को दोबारा से खरीद लेगी। तो दिल्ली टीम को बाकी सभी प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा। तो दिल्ली कैपिटल इस साल अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, अवेश खान, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, केमो पॉल, पृथ्वी शॉ, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिचाने, एलेक्स कैरी, ललित यादव, मोहित शर्मा, सिमरन हेटमायर, तुषार देशपांडे, डेनियल सैम्स और एंड्रिस नॉर्जे को रिलीज कर देगी। और आखिर में बात करें मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, तो मुंबई की टीम कभी नहीं चाहेगी कि मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इसी टीम को होने वाला है। आईपीएल 2020 में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर टीम साबित हुआ है। मेगा ऑक्शन होने पर मुंबई के लिए सबसे कठिन होगा रिटेन और रिलीज लिस्ट तैयार करना। फिर भी मुंबई की टीम सबसे पहले रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को डायरेक्ट रिटर्न करेगी, और नीलामी में ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या के पीछे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। बाकी प्लेयर्स को रिलीज करना ही पड़ेगा। तो रिलीज लिस्ट में जिन जिन प्लेयर्स का नाम शामिल है वो है आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, धवल कुलकर्णी, ईशान किशन, जयंत यादव, किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, मिचेल मैकलेरगेन, क्विंटन डिकॉक, राहुल चहर, सैफरन रदरफोर्ड, क्रिस लिन, दिग्विजय देशमुख, मोहसिन खान, नेथन कुल्टनेल, बलवंत सिंह राय, सौरभ तिवारी और आखिर में जेम्स पैटिनसन। तो दोस्तों आप नीचे आपका फेवरेट टीम कौन सा है कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आपके हिसाब से किसको रिटेन करना चाहिए वो भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।